ऑयल चेकिंग टेस्टिंग हेडिंग डालो बिल्कुल ना, देखो नया पेंट और डालो नॉर्मल इसमें आएगा थोड़ा सा लाइव है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र नगर, आप देख रहे हैं इस टेलीकॉम का 28 अगस्त का बैच और ये है हमारे साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएनसी का बैच। एक बार मैं सारे स्टूडेंट को दिखाना चाहूंगा किन किन स्टूडेंट ने रिवॉल्विंग कर लिया भाई परफेक्ट तरीके से, सीपीयू एमएनसी पावर कर लिया कि कर लिया है। देखो यहाँ पे स्टेंस और स्टेंसिल यूनिवर्सल स्टेंसिल देखी है, ये आपको कोई पर्टिकुलर स्टेंसिल तो नहीं देना, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया के ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट को लोग केवल पर्टिकुलर स्टेंसिल के रिवॉल्व कराते हैं, वो तो बच्चे करा देते हैं। यूनिवर्सल स्टेंसिल के रिवॉल्व तब आना चाहिए जब हमारे पास कोई स्टेंसिल ना हो, तो तब हमारे को यूनिवर्सल जाना चाहिए। यहाँ पर बैठे हर बच्चा ब्लैक पेस्टेड करेगा और हर बच्चा ड्यूअल सीपीयू करेगा। कौन कौन ड्यूअल सीपीयू करेगा यहाँ पर सबका वीडियो आएगा लाइव जैसा पिछली बार का आया था। और हमारे साथ 28 अगस्त बैच के स्टूडेंट है, शाम की हमारी क्लास है, सवेरे हमारी काय की क्लास थी, कौन से सीपीयू का, कौन सी स्टेंसिल से, किसने किसने किया, आपने कितनी बार किया, पांच बार, आपने कितनी बार किया, चार बार किया, आपने कितनी बार किया, पांच बार, संभव है क्या? मतलब आपका जो प्रॉपर स्टेंसिल से सीपीयू बनाना होता है 4G का, उसको यूनिवर्सल स्टेंसिल से बनाना संभव है क्या? आपने कैसे बनाया? यूनिवर्सल कितनी बार बनाया? तीन बार। आपने कितनी बार बनाया? पांच बार। आपने कितनी बार बनाया? आपने तीन बार। आपने पांच बार। आपने चार बार सर। आपने नौ बार हो गया। आपने सात बार। आपने चार बार। आपने आपने दो बार। आपने चार बार। पांच बार सर। आपने पांच बार। ठीक है, आपका काम डन हुआ वो? जी सर। आप कोई सा भी सीपीयू जो था बना सकते हो? यस सर। कोई सा भी? यस सर। ओके, इसके बाद फिर आपकी गाय की क्लास थी कंपोनेंट की, कंपोनेंट में क्या पढ़ा आपने? डायोड और कॉइल। डायोड और कॉइल पढ़ा, उसका प्रैक्टिकल किया आपने ये क्लास में? यस सर। ठीक है, और फिर शाम को अगर आपको प्रैक्टिकल के बाद आप फ्री हुए तो आपने क्या किया? डबल से रिबॉलिंग किया। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। क्या बोलना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया टेलीकॉम जो आना चाहे बिंदास आ सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे? जो वीडियो में आपको देखते हो, जो हमारे आपके जो व्यूवर है, जो आप जो व्यूवर हुए वीडियो में देख के आए थे, वो आपको यहाँ पर मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल, जो देख के आए थे वो यहाँ पे पूरा मिला, बल्कि उससे ज्यादा मिला है। और प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी, थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल। आप ही एक वीडियो देख के आए होंगे, तो वीडियो के अकॉर्डिंग ही क्लास चल रही है या उससे अलग चल रही है? जैसे कि हम लोग सोचते थे, सब कोई का ठेठ है कि सर डेविड अग्रवाल सर पढ़ाते हैं या नहीं, जैसा बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल पढ़ाते हैं, 5 से 7 घंटा सर ही पढ़ाते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूट में आनर क्या करते हैं कि पैसे लेके टीचर से काम करवाते हैं, तो यहाँ के जो आनर है वो खुद पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते हैं कि नहीं? उन्होंने खुद ने पढ़ाया कि नहीं आपको? मेन टीचर कौन है यहाँ के? देवव्रत अग्रवाल सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ है 28 जुलाई के स्टूडेंट, 28 जुलाई के स्टूडेंट का आज डे टू है। डे टू में टास्क है इनका 4G CPU रिबॉल। क्या कर रहे हो आप? रिबॉलिंग। नाम बताइए अपना। सनील सेठ। क्या कर रहे हो आप? 4G CPU रिबॉलिंग। तो कौन सी स्टेंसिल से कर रहे हो आप? यूनिवर्सल। झूठ बोल रहे हो आप, इससे हो ही नहीं सकता। हो ही रहा है सर। है ऐसे सिखाया गया है कि सर इसी से हो रहा है। कर रहे हो आप? जी सर। करके बताओ। नाम बताइए अपना। दानिश। दानिश, क्या कर रहे हो दानिश? फुटबॉल कर रहा हूँ सर। सर ये कराओगे? दिखाइए, यूनिवर्सल तो बनाया है इन्होंने। हो रहा है तो देख सकते, यूनिवर्सल बना। ये तुमने तुम्हारे हाथ से क्या है? जी सर, यही स्टेंसिल। बताओ अपनी। ये वाली। झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम? नहीं सर। जनता देख रही है आपको? जी सर। आपने क्या किया? सीपी रिवॉल्व किया है सर। सीपी रिवॉल्व किया है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? सेकंड डे में आप सीपी रिवॉल्व कर रहे हो? यस सर। मजाक वजाक हो रहा है क्या यहाँ पे? सर मजाक कोई हो रहा है? सीरियस हो रहा है? जी सर।
सीरियस में काम कर रहे हो? कैसा सिखा रहे हैं यहाँ पे? बढ़िया सिखा रहे हैं सर, एशिया टेलीकॉम में। क्या कर रहे हो आप? सीपीयू रिबॉलिंग सर। कौन सा सीपीयू? सैमसंग का, कॉलिकॉम का MSM 8981। तो यूनिवर्सल से बना लेते हो आप? यस सर। एज क्या है आपकी, उम्र क्या है? 18 सर। 18 साल है। कहाँ से आए हो? एपी सर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से आए हो आप? नहीं सर, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा सर। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया सर। सेकंड डे का क्या रिजल्ट है आपका? एकदम बढ़िया सर। मजा आ रहा है काम करने में? यस सर। पहले दिन क्या किया? पहले दिन तो रिबॉइलिंग किया। रिबॉइलिंग किया, और आज क्या कर रहे हो? आज सीपीयू रिबॉइलिंग। सीपीयू कौन सा सीपीयू? सैमसंग कॉलिकॉम का। ठीक है, 4G कर रहे हो ना आप? यस सर। नाम बताइए। गुलरेज खान। गुलरेज खान, कहाँ से हो आप? राजस्थान पर। राजस्थान से हो, राजस्थान से। गुलरेज क्या किया आपने? ये 4G CPU है जो कि रिबॉलिंग किया है। 4G CPU कौन से स्टेंसिल से किया है? ये यूनिवर्सल से। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा 4G CPU आपने यूनिवर्सल से किया है। और आज कौन सा दिन है आपका? सेकंड डे। सेकंड डे, सेकंड डे में ऐसा कैसा कर सकते हो मेरे भाई? जैसा सिखाया ऐसा किया हमने, क्योंकि यहाँ का जो सिखाने का जो तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से पहले हमको भी लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल कर रहे तो यकीन हुआ। ये कोई झूठा वीडियो है क्या आपका? नहीं नहीं, लाइव बिल्कुल हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। सलमान खान। सलमान, आपने आप क्या कर रहे हो? 4G CPU कितनी बार कर लिया अभी तक सवेरे से? 2 बार सर, ये तीसरी बार हुआ सर। ये तीसरी बार हुआ है। नाम बताइए अपना। अशरफ अली। अशरफ अली, क्या कर रहे हो आज? CPU। कौन सा CPU ये? ये है MediaTek। MediaTek का CPU, 4G CPU? 35B 4G। कौन सा CPU ये? MT 6735। MediaTek 4G। तो कैसा संभव है भाई? स्टेंसिल से और सर आप लोगों के ज्ञान से। कैसा संभव है ये बताओ मेरे को? आप लोगों के ज्ञान से, हमारी मेहनत से, आप लोगों की मेहनत से। तो जरा अपना स्टेंसिल और IC दोनों दिखाइए। ये आपने यूनिवर्सल से ही बनाया है? यूनिवर्सल से ही बनाया है। ये MTK का लेटेस्ट CPU है आपका। हाँ। जो आपने आपने बताया है, ये लेटेस्ट CPU आपने दूसरे दिन आपने यूनिवर्सल से बना दिया। यस सर। वेरी गुड। क्या कर रहे हैं आप? CPU रिबॉलिंग कर रहे हैं। कितनी बार कर चुके हो अभी तक? एक बार, दूसरी बार कर रहा हूँ सर। एक बार कर चुके हो, दूसरी बार कर रहे हो। कौन सा CPU आपका? Qualcomm का MS8905। ठीक है, 8905। ये 4G का CPU है? जी हाँ सर। तो आप 4G का CPU तो हमको प्रॉपर स्टेंसिल में बनाना पड़ता है, आप यूनिवर्सल से कैसे बना लिया? सर आपने क्या दुआ था सर, आपने मुझे बताया इस बात किया सर। नाम बताइए अपना। निशान। कहाँ से हो? दमन गाँव। वेर इन फ्रॉम स्टेट? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कौन सा CPU कर रहे हो? Qualcomm CPU। नाम बताइए इसका। 8905। 8905, ये तो 4G CPU होता है। हाँ सर। तो आप ये स्टेंसिल कौन सी है आपकी? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है, कैसे बना लेते हो इससे यूनिवर्सल? अपने बता, हमने बनाया। कितनी बार बना चुके हो आप? तीन बार। इनको दिखाइए, इन्होंने नोट 5 प्रो का CPU रिवॉल्व किया है, वो भी यूनिवर्सल से। नोट, क्या नाम है आपका? गणेश कुमार सर। गणेश कुमार, कहाँ से हो आप? जी सर, कौशाम्बी से, यूपी से। यूपी से हो? जी सर। क्या कर, कौन सा CPU बनाया आपने? जी सर, नोट 5 का है सर। नोट 5 का CPU है जी सर। है ना? और स्टेंसिल कौन सी है आपकी? यूनिवर्सल सर। बताइए स्टेंसिल। जी सर। इसी से बनाया आपने? जी सर। कैसा संभव है ये सर? आप लोग के सर, आप लोगों की वजह से संभव, एशिया टेलीकॉम की वजह से। जी सर। नंबर बताइए, आप कौन सा CPU कर रहे हो? जी सर, 4G का। 4G का। हाँ। कौन सा CPU है? 8953। 8953।
आज कौन सा दिन है तुम्हारा? दूसरा दिन की क्लास कौन सी है ये? आज दूसरी क्लास है जी। पहली क्लास में क्या किया आपने? ईएमसी रिबॉलिंग। और आज क्या कर रहे हो? आज सीपीयू रिबॉलिंग कर रहे हैं। कर पा रहे हो आप? जी सर, कर पा रहे हैं। नाम बताइए अपना। बादल कुमार। क्या नाम है? बादल कुमार। बादल कुमार, आप कौन सा सीपीयू कर रहे हो? 4G सर। 4G सीपीयू। कौन सी स्टेंसिल से कर रहे हो? यूनिवर्सल। कैसे संभव है भाई? कैसा टेलीकॉम से? कैसे संभव हुआ इतना? दूसरे दिन आप 4G सीपीयू कर रहे हो रिबॉल? कर लेते हैं सर, आपने सिखाया सर। ओके, थैंक यू। नाम बताइए अपना। अभिषेक मौर्य। अभिषेक, क्या कर रहे हो आप? सीपीयू रिबॉल। कौन सा 2G सीपीयू की 4G है? नहीं सर, 4G है। 4G सीपीयू। कौन सी स्टेंसिल से कर रहे हो? यूनिवर्सल। ठीक है, वेरी गुड। नाम बताइए अपना। रिपुन दास। कहाँ से हो आप? त्रिपुरा आसाम से। बहुत दूर से आओ भाई। क्या कर रहे हो अभी? अभी 4G सीपीयू रिबॉल कर रहा हूँ। कल क्या किया था आपने? कल ईएमएमसी रिबॉल। ईएमएमसी रिबॉल, तो ये करते बन रहा है आपको? हाँ, हो रहा है। कौन सी स्टेंसिल से कर रहे हो? प्रॉपर स्टेंसिल से कर रहे हो क्या? यूनिवर्सल से कर रहे हो? क्यों, ये तो प्रॉपर स्टेंसिल से होता है, यूनिवर्सल से कैसे कर रहे हो आप? यूनिवर्सल से कैसे कर रहे हो? यूनिवर्सल से बताओ। यूनिवर्सल से ही हो रहा है। नाम बताइए अपना। संतोष कुमार। कौन सा सीपीयू बना रहे हो आप? यूनिवर्सल से बना रहा हूँ मैं। यूनिवर्सल से सीपीयू बना रहे हो आप? जी सर। ठीक है, बनाइए, बताइए। इनको बताइए, इनको दिखाइए। ये अनादर एक सीपीयू और बनाया है इन्होंने। नाम बताइए अपना। विकास कुमार। थोड़ा सीपीयू बताइए आपका। सीपीयू बताइए, यही बताइए। कैसा लग रहा है बना के बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो एक प्रॉपर स्टेंसिल से बनना चाहिए, आप इसको यूनिवर्सल से बना रहे हो? जी सर। कैसा संभव है भाई? बस आपने जैसा सिखाया वैसा काम कर रहे हैं, इसके लिए संभव है। नाम बताइए अपना। राजीव सिंह। जी सर। राजीव सिंह, कितनी बार सीपीयू बनाया अभी आपने? दो बार बनाया। कौन सा सीपीयू बनाया आपने? 4G सीपीयू बनाया। कौन सी स्टेंसिल से बनाया? स्टेंसिल बताइए आपकी। बताइए आपकी स्टेंसिल। ये कैसा संभव है भाई, 4G सीपीयू यूनिवर्सल स्टेंसिल से? ये आप बताए और हम बनाए सर। नहीं तो फिर हम तो बताए, हम तो सब चीज़ बताते हैं, तो आप कैसे इसको कर पा रहे हो, फिक्स कैसे कर पा रहे हो बताओ मेरे को। प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कितनी देर पहले बताया आपको? 10-15 मिनट पहले सर। और कितनी बार आईसी बना दी आपने? 2 बार बना दिए सर। नाम बताइए अपना। संजीव कुमार सर। संजीव कुमार। संजीव कुमार, कहाँ से हो आप? बिहार से। जी भाई, बिहार के बहुत लोग देख रहे हैं अभी, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे घर वाले परेशान हैं, इतने पैसे, इतनी फीस दी है आपने, 4G सीपीयू बना, आपने इतनी मोटी फीस दी है यहाँ पर आने के लिए, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो अभी? क्या ये लेटेस्ट है सर? 636 है। 636 है। 636 आपने कौन सी स्टेंसिल से बनाया? यूनिवर्सल से। इसके पहले कौन सा किया था आपने सीपीयू? एमएमसी किया था। और आज 636 सीपीयू कर रहे हो आप? जी। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो। यूनिवर्सल से जो असंभव काम है वो संभव कर रहे हो आप? बिल्कुल सर। लेटेस्ट सीपीयू कर रहे हो, 636 कर रहे हो यूनिवर्सल से? जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम बताइए अपना। नरेंद्र सिंह। कहाँ से हो नरेंद्र? राजस्थान से। क्या कर रहे हो नरेंद्र? सीपीयू बनाया मैंने सेकंड बार सीपीयू बनाया। नरेंद्र, कैसे संभव है दूसरे दिन आप यूनिवर्सल से सीपीयू बना रहे हो बताओ मेरे को, कैसे संभव है? इजीली कर सकते हो। कैसे संभव है भाई ये? आपने बताया उस हिसाब से फॉलो किया, तरीका तो सही लगा ना या बताने का? कोई फर्जी तो नहीं है? नहीं। राजस्थान से बहुत लोग देख रहे हैं भाई आपको, है ना? वो फ़ोन लगाएंगे आपको, मैं नंबर डाल रहा हूँ आपका। बिल्कुल अच्छा है। आपका नंबर डाल रहा हूँ, वो फ़ोन लगा के पूछेंगे कि वाकई में जो आप बता रहे हो सही बता रहे हो या फर्जी बता रहे हो। बिल्कुल बात नहीं। सीपीयू बता दो अपना। हाँ जी,
फाउंडर तो पहले उड़ीसा से बोल रहा हूँ। सीपीयू एक बार बनाया। क्या बनाया? सीपीयू एक बार। सीपीयू बनाया? हाँ एक बार। कौन सा सीपीयू बनाया? 8905। हमारे एक से स्टूडेंट है जसपाल, जसपाल वॉच कर रहे हैं यहाँ पर। ये जसपाल के लिए कुछ बोलोगे आप? ये जसपाल है हमारे हमारे व्यूवर है जसपाल, और हमारे स्टूडेंट भी है। जसपाल है पंजाब से, वेरी गुड बोल रहे हैं आपके लिए। तो आप ये संभव कर पाए आप? यस सर। आज कौन से दिन की क्लास है आपकी? सेकंड है। सेकंड डे, सेकंड डे में आपने यूनिवर्सल से 4G CPU डन कर रहे हो आप? यस सर। नाम बताइए अपना। मोहन सर। मोहन, कौन सा सीपीयू बना रहे हो भाई? ये क्वालकॉम वाला 8905 सीपीयू जो 4G में लगता है। हां 4G में लगता है। हां आप काई से बना रहे हो उसको? यूनिवर्सल स्टेंसिल से बना रहे हैं सर। यूनिवर्सल स्टेंसिल से बना रहे हो आप? हाँ। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है सर। फाइल चेकिंग टेस्टिंग हैंडिंग डालो बिल्कुल ना। आप देखो नया पेन फॉल डालो नॉर्मल इसमें आएगा थोड़ा सा लाइव है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र नगर, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम का 28 अगस्त का बैच, और ये है हमारे साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएनसी का बैच। एक बार मैं सारे स्टूडेंट को दिखाना चाहूंगा किन किन स्टूडेंट ने रिवॉल्विंग कर लिया भाई परफेक्ट तरीके से। सीपीयू एमएनसी पावर कर लिया कि कर लिया है? देखो यहाँ पे स्टेंस और स्टेंसिल यूनिवर्सल स्टेंसिल देखी है। ये आपको कोई पर्टिकुलर स्टेंसिल तो नहीं देना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया के ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट को लोग केवल पर्टिकुलर स्टेंसिल के रिवॉल्व कराते हैं। वो तो बच्चे करा देते हैं। यूनिवर्सल स्टेंसिल के रिवॉल्व तब आना चाहिए जब हमारे पास कोई स्टेंसिल ना हो, तो तब हमारे को यूनिवर्सल जाना चाहिए। यहाँ पर बैठे हर बच्चा ब्लैक पेस्टेड करेगा और हर बच्चा ड्यूअल सीपीयू करेगा। कौन कौन ड्यूअल सीपीयू करेगा यहाँ पर? सबका वीडियो आएगा लाइव जैसा पिछली बार का आया था। और अगर आपने देखना है तो इसे टेलीकॉम की इनका फीडबैक और इनका लाइव देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओ, इसे टेलीकॉम मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टैग करो, और उसमें आपका इनका कल का डे 1 का डाला है, आज इनका डे 2 का डालेगा। थैंक यू। तो देखिए तो हेडिंग डालिए, आपका हेडिंग है नॉर्मल कॉइल टेस्टिंग। पहले नॉर्मल कॉइल टेस्टिंग खत्म करेंगे, फिर ड्यूअल एंड कपलर, फिर बूस्ट और फिर बक। तो पहला हम डाल रहे हैं नॉर्मल कॉइल टेस्टिंग। सर इसको टेस्ट कैसे करें? नॉर्मल कॉइल पहली बार नॉर्मल कॉइल आपको किस सेक्शन में देखने को मिलेंगे? तो
तो फ्रेंड ये हमारी सेकेंड दिन की क्लास है, कॉम्प्लेंट की क्लास चल रही थी। ये हमारी शाम की क्लास है जो कि यहाँ पे कॉम्प्लेंट को ट्रेस कर रहे हैं, जो भी पढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं वो क्या ट्रेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम वहाँ पे लाइव कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेंट चेक कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर। क्या चेक कर रहे थे अभी आप? कॉम्प्लेंट सर कॉइल चेक कर रहा था। कॉइल चेक कर रहे थे अभी आप? एनी कॉम्प्लेंट पहचानने में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं है आपके जो डाउट्स हैं क्लियर ना हो रहे हो? नहीं सर, सब क्लियर हो रहे हैं। आप बता रहे हैं जो पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं, सब पूछ रहे बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं एक बार पूछ रहे फिर बताया नहीं जा रहा? बात मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके, कॉपी चेक, कॉपी दिखाइए। ये जो आपने लिखा है सारी चीज़ें जो आज आपने पढ़ा है दिखाइए। तो ये जो आपने ये सारी चीज़ें बनाई हुई है तो आपने खुद से बनाया है कि? खुद से बनाया है। और जो आपको थ्योरी पढ़ाया गया था थ्योरी क्लास की कॉपी दिखाइए। आज की क्लास की दिखाइए। असेंबली कॉइल, असेंबली डायोड, ये डायोड की चेकिंग और ये सारी चीज़ें आपको पता है यहाँ पे? जी सर। चलिए ठीक है, करिए चेक, करिए चेक। कर रहे हो क्या? चेक कर रहे हो डायोड सर? डायोड चेक कर रहे हो? अच्छा अच्छा, डायोड की चेकिंग बताओगे क्या? बताइए। एक तरफ तो बीप आएगा, एक तरफ बीप नहीं, कोल टेस्टिंग नहीं, ओनली डायोड, डायोड की चेकिंग बताइए। डायोड का चेकिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन साइड रीडिंग और वन साइड वन। हाँ
ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी आप सीख रहे हो तो और कोई दिक्कत चेक कर पा रहे हो? चलो चेक करके बताओ डायोड सही है कि नहीं है। तो वन साइड रीडिंग और वन साइड बंद, तो डायोड हमारा क्या होगा? ओके ओके सर ओके। क्या चेक कर रहे हैं अभी आप? डायोड, डायोड ही चेक कर रहे हैं। तो डायोड की चेकिंग पता है आपको? ओके। और कंपोनेंट में कोई दिक्कत, पहचान में कोई दिक्कत? नहीं कुछ ही, सब पहचान पा रहे हैं अभी? बिल्कुल, डायोड कंपोनेंट कैपेसिटर वगैरह सब अच्छे सब पहचान में रहे। ओके। अभी केवल दो ही दिन की क्लास हुई है आपकी, अभी पूरा महीना बचा हुआ है हमारे पास, तो हर एक दिन सीखने को मिलेगा यहाँ पर। अभी क्या चेक कर रहे हैं आप? कैपेसिटर। कैपेसिटर चेक कर रहे हैं, तो कैपेसिटर क्या होना चाहिए, शॉर्ट कैसे चेक करेंगे कैपेसिटर को? बीप नहीं आना चाहिए। बीप नहीं आना चाहिए, वेरी गुड। बीप आया तो ऑलवेज शॉर्ट, पर शॉर्टिंग की भी हमारी प्रॉपर क्लास रहेगी कि अगर 5-6 कैपेसिटर शॉर्ट है तो कौन सा कैपेसिटर एक जो शॉर्ट है उसे कैसे निकाला जाए, वो सारा चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके अभी आप क्या कर रहे हैं? डायोड चेक। डायोड चेक कर रहे हैं। Yes. आज क्या, आज कौन सी क्लास पढ़ाएगी आपको? आज डायोड पढ़ाएगा सर, डायोड और कॉइल। डायोड और कॉइल, पहचान में आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर। बूस्ट कॉइल चेक कर पा रहे हैं? बूस्ट कॉइल भी चेक कर पा रहे हैं। ओके। आप क्या चेक कर रहे हो? डायोड। डायोड चेक कर रहे हो, क्योंकि आज की जो क्लास थी हमारी डायोड और कॉइल के ऊपर थी। तो कोई दिक्कत है जो पहले दिन की क्लास थी हमारी रजिस्टर, उसमें कोई डाउट्स हैं? अच्छा, जो डाउट्स हैं तो वो क्लियर कराया जा रहे हैं कि नहीं कराया जा रहा है? जब भी बताया जा रहा है टाइम पे क्लियर हो रहा है। रिबॉलिंग में, क्योंकि आप मॉर्निंग में रिबॉलिंग कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रही है? आप क्या चेक कर रहे हैं? कॉइल चेक कर रहे हैं कि सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल लगा। अच्छा, कैसे पता करोगे सीरीज में लगा है कि पैरेलल लगा है? हम मीटर तो बजर मोड पर रखेंगे, यानी कि डायोड मोड पर। ओके। और रेड प्रूफ को ग्राउंड करेंगे। वेरी गुड। उसके बाद टेस्ट करेंगे कि जो कॉइल है उसके दोनों साइड पर बीप आ रही है, एक साइड पर बीप आ रही है और एक साइड पर जीआर। हाँ, तो क्या होगा? दोनों साइड पे, एक साइड पे बीप आ रही है, एक साइड पे जीआर लगा हुआ है, तो ओके है कॉइल? कॉइल ओके नहीं है। आप सीरीज पैलर बता रहे हो, अगर एक साइड रीडिंग आ रही है, एक साइड बीप आ रही है, तो सीरीज में लगा है कि पैलर में लगा है? ये एक साइड रीडिंग आ रही है, एक साइड बीप लगा, बीप आ रही है, तो पैरेलल पे लगा। वेरी गुड। और दोनों साइड पे जीआर आ रही है तो ये सीरीज पे लगा। वेरी गुड। चेक कर पा रहे हो ये आप? Okay, ऐसा तो नहीं कॉपी देख के आप बता रहे हो? नहीं सर। हालांकि दो ही दिन की क्लास हुई है, अभी यहाँ पे देख रहे हो कॉपी भी बंद है और आप ये सारी चीज़ें आप चेक कर रहे हो खुद ही? जी सर। ओके। आप क्या कर रहे हो? कंपोनेंट चेक कर रहा हूँ। कौन सा कंपोनेंट? कॉइल चेक कर रहा हूँ। कॉइल चेक कर रहे हो आप? ठीक है, आज कॉइल और उसकी क्लास हुई थी हमारी। जी। ओके। आप क्या चेक कर रहे हो उसमें? कॉइल। कॉइल चेक कर रहे हो? कॉइल और डायोड। कॉइल और डायोड। आप क्या चेक कर रहे हो? सर सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल, कैसे सीरीज पैरेलल है पता कैसे करेंगे? सर पैरेलल के लिए रेड को ग्राउंड पे रखेंगे। हाँ। और ब्लैक को कंपोनेंट के, कंपोनेंट के एक सीरीज में लगाएंगे। बीप है तो पैरेलल एक साइड में और एक साइड में जीआर होगा। ओके। और सर सीरीज में सारी चीज चेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? जी कर पा रहे हैं सर। ओके। आप क्या चेक कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट चेक कर रहे हैं अभी आप? यस सर, सीरीज में या पैरेलल में चेक? नहीं, कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन सा चेक कर रहे हो? कॉइल, रेजिस्टर, डायोड? कॉइल चेक कर रहे हैं। कॉइल चेक कर रहे हो, तो चेकिंग आ रही, सब पहचान आ रही, सबसे बड़ी बात सब आ रही सर। आप क्या चेक कर रहे हो? जी सर कॉइल चेक कर रहे हैं। कॉइल चेक कर रहे हैं। अच्छा, आज की क्या क्लास हुई आज की? आज की क्लास मतलब सुबह में रिबॉलिंग कराया गया है सीपीयू का। हाँ बस, फिर उसके थ्योरी में, थ्योरी में और डायोड और कॉइल को जो है। ओके, तो आप ये बताइए जो आपको पढ़ाया गया, फिर शाम को प्रैक्टिकल चल रहा है अभी, आप देख रहे हो, तो प्रैक्टिकल में आपको जो भी डाउट्स हैं तो वो आपको क्लियर कराया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि नहीं बताया जा रहा है, आपको बोर्ड दे के छोड़ दिया जा रहा है? सब बताया जा रहा है। ओके। आप क्या कर रहे हो? कॉइल चेक कर रहे हो। कॉइल चेक कर रहे हो, चेक कर पा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ये जो बोर्ड लगी है, बोर्ड में सारे कंपोनेंट हैं, ये सीरीज में है कि पैलर है और कौन सा कंपोनेंट, ये चेक कर पा रहे हो आप? जी सर। अच्छा, ये कौन सा कंपोनेंट है? ये सर डायोड है सर। कहाँ पे डायोड है? ये सर बाकी कैपेसिटर है। कैपेसिटर है। अच्छा, चलिए चेक कर पा रहे हो आप? जी। ओके। आप क्या कर रहे हो? डायोड चेक कर रहे हो। चेक कर पा रहे हो सारी चीज़ें? जी जी। कंपोनेंट की पहचान आ रही है? जी। आप क्या कर रहे हैं? सर डायोड चेक कर रहे हैं।
डायोड में क्या चेक कर रहे हो? डायोड चेक कर रहे हो कि उसका सीरीज की पैलर क्या चेक कर रहे हैं? दोनों चेक कर रहे हैं सर। दोनों चेक कर रहे हैं वगैरह सब चेक कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत आ रही है इसमें? नहीं सर। आप कॉइल चेक कर रहे हो? कॉइल चेक कर रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर। आप क्या चेक कर रहे हैं? SMD कॉइल सब चेक कर रहे हैं सर। अच्छा, तो अभी उसमें क्या चेक कर रहे हो, कौन सा कंपोनेंट? बैलेंस को सिक्योर रखता है। अच्छा, कोई दिक्कत आ रही है उसमें? नो सर। क्या चेक कर रहे हो आप? डायोड चेक कर रहे हैं सर। डायोड में सीरीज की पैलर की डायोड की कंडीशन क्या चेक कर रहे हो? जो पैलर में है या सीरीज? कैसे पता करेंगे पैलर है कि सीरीज है? जिसका जो है कूल टेस्ट करेंगे सर। हाँ, एक ग्राउंड आएगा और एक GR आएगा सर। तो सीरीज में होगा? ये एक ग्राउंड आया तो GR एक साइड, ये पैरेलल में होगा सर। ओके, समझ में तो आ रहा है ना सारी चीज़ें? क्या कर रहे हो आप? सर डायोड टेस्ट कर रहे हैं। डायोड चेक कर रहे हो? हाँ। आज की क्लास क्या क्या क्लास हुई? आज की सर सुबह रिवॉल्विंग CPU रिवॉल्व किया हमने। हाँ। क्वालकॉम वाला। हाँ। यूनिवर्सल सेंसर से और दोपहर ये डायोड और कॉइल की क्लास हो गई। अच्छा अच्छा, तो कंपोनेंट में भी कोई दिक्कत आ रही है आपको? नहीं सर। चेक कर पा रहे हो? हाँ सर। आप क्या चेक कर रहे हो? डायोड सर। डायोड चेक कर रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है उसमें? नहीं सर। अभी आप क्या कर रहे हो? सर कैपेसिटर देख रहे हैं। कैपेसिटर चेक कर रहे हो, तो ये क्या चेक कर रहे हो अभी सीरीज में कि पैलर है बताइए? सर ये पैलर में एक साइड बी पा रही है, एक साइड में बी पा रही है, एक साइड में नहीं आ रही। ओके, जी आर आ रहा है। आप सारे कंपोनेंट को चेक कर पा रहे हो? जी सर। चलिए, तो ऐसे ही आप डेली बने रहें। डेली का डेली हम हर एक क्लास को मॉर्निंग को और इवनिंग क्लास सारी क्लास हम लाइव यहाँ पे दिखाते हैं फ्रेंड, तो ऐसे ही आप बने रहें। और भी अगर आपको लाइव क्लासेस देखनी है तो जा करके हमारे ऐसे टेलीकॉम पेज में आप वहाँ पे लाइव देख सकते हो। थैंक यू। ये हमारी सेकेंड जितनी क्लास है, कॉम्प्रेंट की क्लास चली थी, ये हमारी शाम की क्लास है जो कि यहाँ पे कॉम्प्रेंट को ट्रेस कर रहे हैं जो भी पढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं वो क्या ट्रेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे हमारे कॉम्प्रेंट चेक कर रहे हैं। हमें क्या चेक कर रहे थे भैया? चेक कर रहे थे भैया, कॉम्प्रेंट पहचानने में कोई दिक्कत आपकी?
कोई दिक्कत नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं है आपके जो डाउट सब क्लियर ना हो डाइवर्ट का चेकिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन साइड रीडिंग और वन साइड वन, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी आप देख रहे हो तो और कोई दिक्कत चेक कर पा रहे हो? चलो चेक करके बताओ डाइवर्ट सही है। आज तो अभी जस्ट डबल डेकर सीपीयू की अभी आपकी जल्दी है कल। आज आपने क्या किया आज के दिन? आज डबल डेकर सीपीयू कैसे डिबल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने किया। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाए? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? कर डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर।